हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। ठीक है, ट्वेल्थ कॉमर्स ओसीएम चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट चार जो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, काइंडली चेक इट इन द प्ले लिस्ट स्टूडेंट्स। अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ये लास्ट 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो एज यूजुअल, न्यू पीपल टू माई चैनल, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज यू नो यूजफुल टू एवरीबडी। सो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द फिफ्थ टाइप ऑफ वेयर हाउस इज गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। जैसे ही हमने ये टर्म यूज़ किया है यहाँ पे गवर्नमेंट वेयर हाउसेज, तो ऑब्वियस है जो भी ओनरशिप होगा या मैनेजमेंट होगा या कंट्रोल जिसके हाथ में होगा वो डेफिनेटली होगा बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ है, पब्लिक अथॉरिटीज़ है, उनका यहाँ पे रोल होगा बिकॉज दे आर ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और एनी पब्लिक अथॉरिटीज। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट वेयर हाउसेज किन किन लोगों के लिए एडवांटेजेस होता है या प्रॉफिटेबल होता है? ऑब्वियसली ये जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या ट्रेडर्स आप बोलो, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है कि खुद का एक वेयर हाउस हो। ठीक है, मे बी दे कांट अफोर्ड ड्यू टू फिनेंशियल रीजन्स के वजह से हो सकता है। तो गवर्नमेंट वेयर हाउस क्या करता है, उनको हेल्प करता है या असिस्ट करता है कि वो अपने गुड्स स्टोर कर सके उनके वेयर हाउसेज में, बट विथ द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट और स्मॉल नॉमिनल चार्ज। मतलब उनको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और ये एग्जाम्पल्स आपने न्यूज़पेपर या टेलीविजन में भी देखा होगा। जैसे आपका SWC होता है, दैट इज़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, विच आर गवर्नमेंट, प्योरली गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। ठीक है, देन यू हैव FCI, दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एंड देन यू ऑल्सो हैव CWC, दैट इज सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर चीज़ में यू नो सेंट्रल वेयर हाउसिंग या स्टेट वेयर हाउसिंग। तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है दैट गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल एज फॉर योर FCI में भी आप देख सकते हो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट वेयर हाउसेज। ठीक है, लेट्स गो टू द सिक्स्थ वन क्विकली स्टूडेंट्स, कॉपरेटिव वेयर हाउसेज। ओके, ऑफकोर्स जब हम किसी भी कॉपरेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट कॉपरेटिव सोसाइटीज वो वॉलेंटरली कम टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पर्टिकुलर यू नो पीपल या एनी फैसिलिटी दे वॉन्ट। स्पेशली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपरेटिव सोसाइटीज। तो ये वेयर हाउसेज जो है आर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कॉपरेटिव सोसाइटीज। नाउ दे मेनली प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है, टू स्टोर द गुड्स, एनी काइंड ऑफ गुड्स एट मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स। मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स मतलब वो रेट्स जहाँ पर कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और ये बेसिकली यू नो प्रॉफिट मोटिव नहीं होते हैं कॉपरेटिव सोसाइटीज, ये हमने डिफरेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये स्पेशली क्यों होता है, क्योंकि वो हेल्प करे उनको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देने के लिए, सो दैट यू नो टू मेंटेन दैट वेयर हाउस आपको थोड़ा सा तो खर्च करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिकल रेट्स। दीज टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड जनरल पब्लिक, डेफिनेटली, क्योंकि प्राइजेस भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं। तो ये फार्मर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए या जनरल पब्लिक जिनको भी कुछ भी स्टोरेज करना है उनको ये बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव देम द फैसिलिटी। देन द लास्ट वन वी हैव योर इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज। स्टूडेंट्स, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज से हमें ये पता लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू यू नो रेफ्रिजरेशन। तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज मतलब जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है, वरना वो ख़राब हो सकते हैं। जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में क्या होता है, गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड एट अ वेरी लो टेम्परेचर।
एक प्रॉपर लो टेम्परेचर में उनको स्टोर किया जाता है, रेफ्रिजरेट किया जाता है, क्योंकि उनको वो स्टोर कर सके, प्रिजर्व कर सके, केयर ले सके, क्योंकि आगे चलकर उनको ये यूज़ करना होता है फ्यूचर में, है ना। मे बी दे विल सेल इट, एक्सपोर्ट इट, ठीक है। तो ये कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस की बदौलत हम क्या कर सकते हैं या क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये वेयरहाउसेस हमें हेल्प करते हैं कि गुड्स को अच्छे से स्टोर कर सके विद द हेल्प ऑफ ऑल द रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। स्टूडेंट्स, आई होप दिस कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर। वेर एवर आई हैव हाईलाइटेड दोज पॉइंट्स, हाईलाइट के ऊपर ही आप एक एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप वी कवर द टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज नाउ, एंड इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड, डेफिनेटली द कंसेप्ट इज सो क्लियर दैट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। ये टर्म्स आप याद रखोगे, सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल्सो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो दैट्स इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो फॉर अ फैक्ट, बट विल कम अप विथ न्यू टॉपिक्स एंड एक्सरसाइजेज वेरी सून फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। टिल देन स्टे ट्यून टू कॉमर्स ट्यूट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।